नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ममाज गर्ल एक ही, और मैं हूँ याना। आज हम मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे मतलब शॉप में आ गए हैं। अभी का टाइम ना कुछ 10:10 हो रहा है, ठीक है। और रेडी होने का मतलब बहुत मिनिमल था, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगूँ, थोड़ा खुद को भी ठीक लगूँ। सनस्क्रीन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, स्किन केयर नहीं किया है मैंने, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मतलब देख रहे हैं ना, पिंपल विम्पल ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मार्क्स रह गया, वो तो रहता ही है मल्टी साइकिल की वजह से। तो दिखा देते हैं कैसे रेडी होते हैं, क्या है करके, मतलब बहुत ही मिनिमल। और सनस्क्रीन आजकल लगाना छोड़े नहीं है, मतलब कंटिन्यू लगा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एक सैनिटाइज़र, क्योंकि मैंने बहुत देर तक ना मुझे कुछ लिखने का काम था तो वो सब मैंने किया था अभी, ठीक है। पार्सल भी आकर पड़ा हुआ है मेरा, वो भी मुझे शेयर करना है। और मुझे पता है घर जाकर मेरा वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलती है आजकल, थोड़ा शेड्यूल ऐसा हो गया है, तो सोचा अभी शेयर कर दूँ ऐसे ही, क्योंकि रेडी भी हो रहे हैं और आप लोगों के साथ बहुत सारा प्रोडक्ट शेयर किया है, तो आप लोगों को भी वो ना रहे ना कि ये यूज़ करती है या नहीं करती है। और स्किन देख रहे हो, मतलब नॉर्मल सा, ऊपर लाइट जल रही हो भी दो साइड में, मेरे ऊपर भी नहीं है कि ग्लो दिखे, बाकी सनलाइट आ रही है, तो स्किन ना काफ़ी हद तक अच्छी है। 2 डेज़ का स्किन केयर, 2 to 3 days मैंने अभी करेंटली कंटिन्यू किया था, और सनस्क्रीन मैंने सिर्फ 1 दिन लगाया था, ठीक है, तो उसी में काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। और ये वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, देख लीजिए, एक्ने स्टार का जो ना, क्योंकि कुछ मार्क्स रह गए तो इसीलिए लगा रहे हैं, और एमटीज में भी चले जाएगी अगर फुल ये हो जाए। और ना ये ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि बहुत लोगों का वो होता है कि लगा कर नहीं दिखाए, आप लगा कर दिखाएंगे, बहुत मुश्किल से 1 दिन रेडी होते हैं तो कैसे वो टाइम पे लगा कर दिखाएंगे ना। लेकिन नॉर्मली सब चीज़ यूज़ करते हैं, मोस्टली तो खुद के पैसे से खरीदी हुई रहती है, और अगर कुछ अजीब सा आवाज़ आए तो देख लेना, इतना लिया है, ठीक है। पी साइज़ अमाउंट काफ़ी है फुल फेस के लिए। स्प्रेड करते हैं नॉर्मली, जहाँ जहाँ पिंपल होती है ना वो जगह पे थोड़ा सा मतलब ध्यान देते हैं। मुझे ना डबल चिन बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं मिल रही है एक्सरसाइज या वॉक के लिए या कुछ के लिए भी। मतलब आप लोगों को उसी से आइडिया हो गया होगा कहाँ मेरा घर का बैकग्राउंड इतना अच्छा रहता है, और कहाँ यहाँ आके स्किन केयर हल्का सा मतलब आइस के वहाँ, क्योंकि ना थोड़ा सा मुझे ड्राइनेस होने लगा है। ये ऐसे भी जो जेल है थोड़ा ड्राई कर देता है, पहले हम सोची थी कि एज अ एक सेकेंड लगा देते हैं फिर बता दूँ। ऐसा ना हो कि रेडी होते होते कोई आ जाए, क्योंकि मेरा सेटअप ना आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ बॉक्स आके पड़ा है जिसका रिव्यू मुझे देना है, ये सब मेरा रेडी होने वाला सामान तो ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। तो दिखा देंगे, मतलब फुली शेयर कर देंगे आप लोगों को भी, बोल रहे हैं ना थोड़ा सा मतलब ना ये ना थोड़े से स्टिकी है लेकिन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ, फिर इसके बाद में ले रहे हैं सनस्क्रीन, मतलब लाशील्ड का मैंने अभी नया वाला वो वाटरप्रूफ सनस्क्रीन भी ऑर्डर किया है, और सनस्क्रीन अब मुझे समझ आ गई है कि कंटिन्यू यूज़ करना, और ना ये एकदम एम्प्टी हो गई है, तो हम वो 2 फिंगर रूल में कभी नहीं लगाती है, वो मुझे सही नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है इतना ही लगा लो जो स्प्रेड होए, दुपट्टा हटा देते हैं, कवर करके रखने की वजह से ना ये मेरा जो डार्क नेक हुआ था वो सब काफ़ी हद तक ठीक हो गया, ठीक है। कोई आ गया तो हो गया फिर मेरा, कोई तो छोड़ो, हस्बैंड ही आ गए तो सुनाएंगे दो बार कि आप तुम यहाँ भी स्टार्ट हो जाओ अपना वीडियो। लेकिन अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, थोड़ा सा वाइट कास्ट रहता है लेकिन ना बहुत ही शाइनी ग्लोई सा बना देता है स्टार्टिंग में। मतलब आपको 1-2 दिन आप अगर स्टार्ट करते हो ना, तो आपको लगेगा कि बहुत हैवी है और बहुत स्टिकी है, 2 डेज़ के बाद ना आपका स्किन अडाप्ट कर लेगा वो चीज़ को। देखिए मेरा हस्बैंड आ जाए मेरे को, क्योंकि एक भैया अपने साथ में उनके घूम रहे हैं, वो आ गए तो फिर हो गया। और एक चीज़, मिरर की हालत कंडीशन बहुत ख़राब है मेरी, उसका ना आउटर पैकेजिंग ऐसा था, ठीक है, वो मुझसे टूट गई गलती से, अभी स्टिक करने के लिए टाइम नहीं था, सो
एसी में। ये हो गया। मुझे ना वो हाथ में जो स्टिकीपन लगता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है थोड़ा, मतलब अभी थोड़ा यहाँ का वेदर भी उतना ख़ास नहीं है, तो थोड़ा अजीब सा गर्मी हो गया है, तो मज़ा नहीं आता है। तो ये हो गई मेरी सनस्क्रीन। इसके बाद में ना पॉन्ड्स का जो नॉर्मल पाउडर, ये ना मुझे सिर्फ डेली हम जो यूज़ करते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रही है डे टू डे लाइफ में, और मेकअप वाले टाइम का कभी हम, मुझे टाइम मिलेगा तब हम शेयर करेंगे, वो घर पे बैठ के फुल सेट से, क्योंकि पूरा फुल ऑन मेकअप रहता है, उतना हैवी नहीं लेकिन मेकअप रहता है। तो इसमें ना सिर्फ पॉन्ड्स का पाउडर मैंने रखा। ये आप अगर देखोगे मिनीसो का मेरा एक ट्रैवल पैक आया था, उसमें से मैंने ये करके निकाल के रखा है। तो ठीक है, ये देखिए, ये लेते हैं, थोड़ा पलटते हैं, एक सेकेंड, ये आ गई ना इतना, ये पाउडर बहुत कम है, दिखता बहुत ज़्यादा होगा, कम है। फिर उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया ना, मेरे पापा वाली आदत है, मेरे पापा भी ऐसे हैंकी में यूज़ किया करते थे पाउडर का, यही मिरर ले लेगी। ये ना पॉन्ड्स का जो शेयर करेंगे आपके साथ, मेरे बैग में क्या रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, आप मानोगे सर, मेरे बैग के अंदर ना ये भी है मीठा, वो जो बचपन में मुझे मिलती थी ना, मैं जहाँ भी देखती हूँ आजकल ऐसे हो गया, मेरे हस्बैंड वो भी ला देते हैं, पता है मेरा बैग देख के बहुत चलते ये करेंगे, बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, अंदर में कचड़ा ही भरा हुआ है, लेकिन सब एसेंशियल है। तो ये हो गया पाउडर। इसके बाद में ना लिप बाम मैंने आपके साथ में शेयर किया था, राइट, ये वाला ये रखते हैं थोड़ा सा, ये मोस्टली नाइट टाइम में यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम, देखिए इतना सा सिर्फ, मतलब बहुत कम, खाली स्प्रेड हो जाए इतना लगा लेते हैं। मिक्स में इग्नोर कर दे प्लीज़, ठीक है, ये इसलिए ना कि वो ड्राइनेस ना रहे, फिर वो निकल जाए कर, और जब वो थोड़ी देर रहने देते हैं। और ये वाला काजल है ना, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, किसी को चाहिए रहेगा तो फिर से बताएंगे। ये है, नाम बता देते हैं, मेबेलिन न्यूयॉर्क का द कोलोसल काजल क्रश्ड एमरल्ड, बहुत प्यारा सुंदर सा डार्क ग्रीन कलर है। इसका जो दूसरा पीकॉक कलर था वो मैंने एम्प्टी कर दिया, और ये देखिए कि कलर, मतलब ना इसका शिफ्टिंग, और मुझे डे टू डे बेसिस में पसंद है, मतलब एक तो एम्प्टी भी करना है क्योंकि बहुत पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो है, वो लगाते हैं सिर्फ आँख में, काजल जैसे ही लगाते हैं, मतलब ना वो थोड़ा सा आँख ऐसे लगता है कि मतलब सोए नहीं हैं, उठे हुए हैं, बीमार नहीं हैं। तो समझ नहीं आता कि यहाँ देखूँ वहाँ देखूँ। देखो चेंजेस दिख रही है आपको, मतलब ना ये ऐसे लगता है कि ये थोड़ा ओपन अप है, उठा हुआ, मतलब सुबह का वो लेजीनेस नहीं है। और यही वाली जगह आप ये वाली में फ़र्क देखो, और ये सब ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क ला देती है, तो इसलिए मुझे पसंद है। और मॉर्निंग में हम ऐसे डेली जो लाइफ रहता है उसमें हम ना आईब्रोज या आईलाइनर उतना यूज़ नहीं करती है, मोस्टली अगर वीडियोज़ बनाना होता है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। फ़र्क दिख रहा है, मतलब काफ़ी हद तक फ़र्क पता चल रहा है कि हाँ, मतलब उठ गए हैं, सही हो गया है, अदरवाइज सोई फेस पहले की कैसे दिख रही थी ना। चिल्ला मुझे बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्यों, फैट PCOD। तो फिर इसके बाद में अभी मैंने लिप बाम लगाया था ना, ज़्यादा देर नहीं हुई मुझे पता है, लेकिन ना हल्का सा हटाएंगे, थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है। फिर ये वाला लिपस्टिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, इसकी हालत देखो, इतनी सी बची हुई है, तो लिया मैंने। ये कलर ना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि पान खा के बैठे हुए हैं।
तो और MTV करनी है ना तो बहुत कम, लेकिन थोड़ा सा हाँ कलर चाहिए रहता है, मतलब अजीब ना दिखे करके। सब हाथ से हो गया ना, मतलब ब्रश की ज़रूरत नहीं, स्पंज की ज़रूरत नहीं, कोई मैंने बोला ना सिर्फ डे टू डे के लिए इतना ना बहुत है, मतलब मोर देन इनफ है। ये तो ना कैमरे में फिर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पास से आपको दिखाएंगे ऐसा लगता है कि मतलब हाँ प्रेजेंटेबल फेस है कि हाँ सोए नहीं है, बीमार नहीं है, टेंशन नहीं है, लेकिन सब कुछ अंदर दबी हुई है, सब है यार, ख़त्म ही नहीं होता। और मुझे पता है मेरा वॉइस बहुत अस्ते आ रहा होगा, लेकिन क्या भी कर सकते हैं। और जो बची हुई है नोज में लगा लेते हैं हल्का सा वही वाला लिपस्टिक, बहुत कम आपके ऊपर उतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। नहीं तो ना वो डार्क सर्कल थोड़ा ज़्यादा दिखने लगता है, देखिए आई भी नहीं आपने वो कलर, बहुत हल्के से डैब करना, ज़्यादा ड्रैग करेंगे तो दिक्कत आ जाती है। ये हो गया, ठीक है, इसके बाद में हटा देते हैं इसे भी। ये परफ्यूम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, मतलब मेरे बैग में रहती है, मेरे बैग में बहुत सारी परफ्यूम है, मतलब इत्तर इत्तर क्या क्या बोल दो आप, ये वाली भी है, ये मैंने अभी तक इसमें उसके ऊपर एक टॉप आता है वो नहीं लगाया है, तो वो है। और इस पर मैंने घर में ना परफ्यूम मार लिया था, क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है यार कि कुछ है करके। फिर उसके बाद में ये वाली स्टिक मेबेलिन न्यूयॉर्क की वी फेस डियो स्टिक का आती है, जिसमें से हाइलाइटर साइड हम लेते हैं, क्योंकि मैंने ना ये वाला साइड बर्बाद कर लिया है, मतलब कैसे मैं दिखाऊँ, इसका जो प्रोडक्ट है इसके अंदर है और इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन एज अ आई शैडो कपड़ी के बाहर बहुत ही लाइटली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ना मुझे इसलिए आजकल अच्छा लगता है कि मतलब हाथ ख़राब नहीं होते, ये लगाया हल्का सा जस्ट फॉर ग्लो, मतलब उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर ऐसे जो नेकेड आई से देखते हैं ना, मतलब अभी कैमरे में मालूम नहीं चल रही, लेकिन बाहर ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। हाँ नोज़ में मालूम चल रही है, थोड़ा सा ग्लो है फेस में, कुछ तो है कर। फिर ये हो गया हल्का सा, ठीक है, बस काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे मुझे उतनी वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे ना हाथ में कुछ हो गया है, तो ये मेडिसिन मतलब मुझे बचपन से यूज़ कर रहे हैं, ये एक तरह की मेडिकेटेड कुछ मेडिसिन है, मेरे हाथ में मतलब मच्छर काटते हैं ना उस वजह से हो जाता है एक ऐसे वाले मार्क, तो उसमें लगा रहे हैं। क्यों होता है, क्या है उसके पीछे पता नहीं चला, किम्स में जाके मैंने दिखाया भी था। फिर नॉर्मल ये दो वॉच, ये हस्बैंड के साथ फर्स्ट एनिवर्सरी में लिया था, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड दिस वॉच इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पहन लिया। और ना ये सब चीज़ें मेरे हाथ में आपको कभी भी दिखती है ना, ये खोलते नहीं है और ये कड़ा भी नहीं उतारते, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। और ये मेरी मम्मी के पैर का छल्ला, छल्ला नहीं बोलेंगे इसे, कुछ तो बोलते हैं मुझे ना अभी याद नहीं, मैंने गिफ्ट किया था मम्मी को बर्थडे में, तो उनका एक ऐसा हमारा गार्डन नहीं बोलेंगे बगीचा है, बगीचे में मम्मी का ये वाला एक रिंग कहीं पे निकल के गिर गया था, फिर वो पूरा जैसे मतलब होता है ना फार्मिंग होती है वैसे वाली जगह पे था, तो और वहाँ बहुत सारी दो तीन फैमिली काम करती थी, तो वो मिला नहीं हमें बहुत ढूंढने के बाद, तो मेरी मम्मी वो एक हिंदू औरतें या मतलब पहन नहीं पाती है ना, नहीं पहनना चाहिए, तो उन्होंने खोल दिया, तो मम्मी के बहुत क्लोज था, तो अब ये मेरे हाथ में है, राइट हैंड में रखना चाहते थे लेकिन ना काम की वजह से वो, और ये मेरा शादी वाला रिंग, फिर ये कभी नहीं खोलते हैं, मतलब क्यों मिला क्या क्या है उतना मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमेशा रहती है, आप कई सारे वीडियोज़ में देखेंगे वॉच मम्मी वाला। ये वाला भी मेरी मम्मी ने दिया था, ये वाला मुझे मेरे एक फ्रेंड ने जिसका नाम है पता नहीं क्या, किरण किरण करके बोलते थे, जस किरण उसका नाम है, जस किरण सिंह, उसने मुझे अमृतसर से ये भेजा था, क्योंकि मैंने उसे बोला था, और ये लड़कों वाला कड़ा है, लेकिन ना मुझे अच्छा लगता है हाथ में कुछ ना दिखे उससे अच्छा तो ऐसा कुछ दिखाई दे, दूर से दिख जाए कि क्या है करके, तो इसलिए। और बस इतना ही था मेरा, मतलब ऐसे लगता है लॉन्ग वीडियो बन गया होगा,
और अगर मतलब कभी कभी होता है ना कि लिप्स थोड़ी ड्राई हो रही है, तब ये वाला भी लगा लेते हैं। अभी नहीं लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट लिप बाम लगाना भूल जाते हैं, तो ये लगाते हैं तो थोड़ा सा ड्राइनेस आती है, तब ये लगाते हैं। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो मेरा नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करता हुआ प्रोडक्ट है, बहुत ही मिनिमल सा है। और हाँ, ऐसे टूटे हुए चीज़ भी रखते हैं, मतलब ना अपने पैसे से ले आया जब तक है, तो यही है ना। मैंने इसके लिए 400 या 800 कुछ दिया था मैंने और मेरी मम्मी ने, लेकिन इसका फॉल्ट था, एवॉन से लिया था, तो उससे सभी में कंप्लेंट आया है। मेरी मम्मी का भी ऐसे आया है कि निकल जाती है, तो चलिए। और एक चीज़ था वो भूल गए। और ना अभी यहाँ में गर्मी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, एक छोटा सा पोनी बांध, इतना टाइटली नहीं, हल्का सा ऐसा पोनी बांध लिया ताकि ना गर्दन में बस वो बाल ना आ रहे, बहुत गर्मी लगती है अदरवाइज। और नॉर्मल डेज में ना ना इयररिंग ना चेन्स कुछ नहीं पहनते, मुझे ना बहुत अजीब सा, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आती है उससे। और उसके अलावा हो गए तैयार, मतलब इतना काफ़ी है। मैं एक वीडियो यहाँ में बना लूँ, अभी जो पार्सल्स आई है उसे ओपन करके उसी का बॉक्स को मैं यहाँ रख दूँ, तो हो जाता है, चल जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ख्याल रखिए, खुश रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। खुश रहें।